हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम महेश नरोड़े, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं वैभव ढाकने, मेरा बैचमेट है एम्स नागपुर में। तो आज हम इसकी जर्नी जान लेते हैं कि इसकी जर्नी में क्या क्या खास बातें हैं या इसकी जर्नी कैसी रही नीट की, कि इसने नीट में 664 स्कोर किया, तो इतना बड़ा स्कोर लाने के लिए इसने क्या क्या किया और कितनी मेहनत की। या और एक इसके बारे में बात बताता हूँ कि इसने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, तो ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पर। और इसने कोई भी ड्रॉप नहीं लिया, इसने सिर्फ पहले अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर की, तो इसकी अचीवमेंट बहुत ही ज़्यादा है। तो हम इसे कुछ बातचीत करके इससे जान लेते हैं कि इसने ऐसा क्या किया कि इसका स्कोर इतना ज़्यादा है। इंटरव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी पे 23 जून को ऑल स्टार बैच नाम का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। नीट 2021 के लिए क्रैश कोर्स बायोलॉजी बैच भी है, वैसे ही नीट 2022 एस्पायरेंट के लिए समर्पण बैच और 2023 स्टूडेंट्स के लिए मंजिल बैच और पायोनियर बैच भी है। अगर आप मेरा कोड महेश650 यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अनअकैडमी पे अभी वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रही है, आप इसमें फ्री इनरोल हो सकते हो। एवरी संडे 11 AM और 1 ईयर नीट UG प्लस तक का सब्सक्रिप्शन पाने का चांस भी है। अगर आपको अभी कोई सब्सक्रिप्शन लेना है बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो अनअकैडमी के पास लोन सिस्टम भी है। अनअकैडमी पे अभी नीट UG प्लस CBSE का कॉम्बो सेल और बम्पर ऑफर भी चल रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अनअकैडमी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अनअकैडमी पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स भी अवेलेबल है और साथ ही साथ इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस भी चलती है और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी कंडक्ट किए जाते हैं। उससे स्टूडेंट का पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ता है और MCQ सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लिमिटेड टाइम ऑफर सिर्फ 21 जून से 30 जून तक ही वैलिड है। मैंने अभी तक जो भी कोर्सेज बताए उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। हेलो वैभव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू महेश फॉर इनवाइटिंग मी। तो अभी हम इससे जान लेते हैं कि इसकी नीट की जर्नी कैसी रही। तो मेरा पहला सवाल ये है वैभव तुम्हारे लिए कि तुम्हारी नीट जर्नी का ओवरव्यू क्या था, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। हेलो गाइस, मेरा नाम वैभव है। तो मैंने 2020 की नीट दी थी, उसमें मेरा स्कोर आया था 664, ठीक है। फिजिक्स में 175 आए थे, बायो में 338 और केमिस्ट्री में 151 आए थे। तो मैं फ्रेशर स्टूडेंट था, मैंने कोई ऐसे एक्सटर्नल कोचिंग नहीं ली थी, मैं बस महाराष्ट्र में एक स्कूल था RSML नाम का, वहाँ पर पढ़ता था। तो मेरी नीट जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मेरे पिछली स्टोरी बताता हूँ। तो मैं स्कूल में एक अच्छा स्टूडेंट था, एक अच्छा मतलब ठीक था, ऐसे ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की थी पहले, लेकिन 10th में सब बोल रहे थे कि अच्छा पढ़ लो, क्योंकि 10th के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है सबके लाइफ में, वैसे ही। तो फिर मैंने पढ़ाई की, थोड़े अच्छे परसेंटेज आए, फिर ऐसे पता नहीं था 11th 12th करने के मतलब क्या होता है आगे, IIT हो नीट वगैरह कुछ पता नहीं था वैसे। तो फिर घर वालों बोले चलो नीट ही दे दो, डॉक्टर बन लो। तो फिर मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया जो अभी मैंने आपको बताया था। फिर ठीक है, पहले दिन गया, कुछ पता नहीं था वैसे कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, कितनी हार्ड डिफिकल्टी होती है क्या होता है, वैसे कुछ देखा भी नहीं था इंटरनेट पर कि ये कुछ है भी। तो फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन कर ली क्लास, पहले दिन गया, तो मैं बस 10th के नॉलेज के बेसिस पे गया था वहाँ पे। मतलब फिर स्टूडेंट्स सारे डाउट पूछने लगे, कुछ पढ़ाया था मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। पहले लगभग 10-12 दिन तो मुझे पता ही नहीं था मैं क्लास में कर क्या रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी गिल्ट आई, यार हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं तो मतलब अच्छा था ना पहले स्कूल में, लग रहा था कि यार मैं तो बस क्या है फिर पहला ही हूँ। तो वहाँ पे जाने के बाद तो फिर मतलब समझ रहे हो ना समझ रहे हो। तो गया फिर 15-16 दिन होने के बाद, ठीक है ये चैप्टर चालू है। फिर उसके बाद मोबाइल खोल के देखा तो तब पता चला कि आखिर क्या होती है नीट, ठीक है। 15 लाख बच्चे देते हैं ये, तो उस वक्त पता चला, ठीक है। फिर मैंने पढ़ाई चालू की, उसके बाद ठीक से हर रोज़ पढ़ने लगा था। तो फिर जब 1 महीने के बाद जब हमारी पहली एग्ज़ाम हुई थी, तब मेरे आए थे कुछ 360 मार्क्स, ठीक है। तब ठीक है बोला, 360 मार्क थे, कम थे। फिर 2 महीने के बाद दूसरी एग्ज़ाम हुई, तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे लगभग 596। तो उस वक्त मैं क्लास में पहले आया था, मतलब मेरा स्कूल में जो क्लास था हमारा उसमें मैं पहले आया था।
तो फिर उसके बाद एक चीज पता चली कि एक बार अगर तुम टॉप कर लेते हो अपने क्लास में तो फिर पीछे आना मना है, फिर पीछे आ ही नहीं सकते तुम, अगर आना है तो इतना रोगे तुम। तो फिर एक बार मैं जो पहला आया तो फिर मुझे लगा कि अब नहीं छोड़ सकते इसको। तो फिर मैं ये सोच ही नहीं रहा था कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं मेडिकल के लगने के लिए, क्या ये करने, मुझे वो मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ मेरे क्लास में पहला आना था। तो उसी हिसाब से मैंने 2 साल तक पढ़ाई की, ठीक है, तो कभी पहला कभी दूसरा आता रहता था। तो उसके बाद जब 2 साल हुए, मतलब अब तक तो मैं पहला दूसरा नंबर पे ही था, ठीक है। तो जैसे ही 2 साल की मतलब सिलेबस ख़त्म हुआ ना, और जैसे सब लोग टेस्ट सीरीज लगाते थे, हमारे स्कूल की भी थी छोटी सी टेस्ट सीरीज थी, तो मैं उस जब टेस्ट सीरीज में अचानक से जो बच्चे मतलब जो मेरे से 60-70 मार्क पीछे थे वो अचानक से मेरे आगे चले गए। तो उस वक्त लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मतलब मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से अपना मतलब खुद को एक बार एनालाइज किया ठीक से, और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बदली, जो मैं आप नेक्स्ट में बात करूंगा स्ट्रैटेजी के बारे में भी आपसे। तो उस स्ट्रैटेजी के बाद मतलब बदलने के बाद फिर मेरा स्कोर बढ़ा, लगभग मेरा पहला स्कोर था 550 तक, ठीक है। उसके बाद जब टेस्ट सीरीज चालू हुई तो उसके बाद आया था लगभग मतलब 10 मार्क की सिर्फ मतलब बढ़ोतरी हुई थी। तो ये बहुत डिफिकल्ट जा रहा था कि 550 से 600 का जो होता है गैप, वो बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा था। तो फिर कुछ टीचर्स के साथ बात की, फिर से अपने को रिफाइन किया, फिर और एक बार रिफाइन किया, और ये जो चल रहा था सब पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन, इसमें तो भाई साहब, तो वो भी एक था एडवांटेज की फ़ायदा मिला उससे। उससे मैंने जब आखिर की जब जो कि टेस्ट सीरीज हुई थी तो उसका मेरा एवरेज आया था लगभग 580-590, ठीक है। तो उसके बाद जो नीट से पहली होती है हमारी एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज, उसमें आया थी मेरे 640। तब तब मैंने बताया ही नहीं घर पे कि मेरे 640 आए, क्योंकि 2-3 दिन के बाद नीट का पेपर था, तो मुझे पता नहीं था कितने आएंगे, 500 आएंगे, 550 आएंगे या फिर 650 आएंगे, तो ऐसा कुछ पता नहीं था, इसलिए बताया नहीं था। लेकिन फिर नीट हुई, फिर नीट में आया 664 मार्क्स, और AIR 1831। तो आप देख रहे हैं कि इसने पहले 360 मार्क्स स्कोर किए थे, फिर बाद में जो टेस्ट हुई इसने 596 स्कोर किया। तो तुम देख रहे हो 360 से 596 जाना इसके लिए आसान था, बट 596 स्कोर मतलब जो टॉपर बनना है या 590 के ऊपर स्कोर करना है तो कितना डिफिकल्ट होता है उतना स्कोर मेंटेन करना। तो आप ये बात समझ सकते हो कि आपको जब कम स्कोर आ रहा तो आप आराम से मतलब अच्छा स्कोर ला सकते हैं, बट अच्छा स्कोर लाने के बाद वो मेंटेन करना कितना मुश्किल है तो इसके स्टोरी से तो दिख ही रहा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि मेरा कम स्कोर आता था, फिर बाद में जब ज़्यादा स्कोर आने लगा तो सबकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, घर वालों की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है कि इससे भी ज़्यादा स्कोर लाए। तो आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, तो आप ये आसानी से कर सकते हो। 600+ स्कोर लाने के लिए आपको सिर्फ मेहनत ही करनी पड़ेगी, तो आप मेहनत कीजिए। तो तुमने पहले बताया कि तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था कि कोचिंग नहीं है? देखो मैंने मतलब कोचिंग तो ज्वाइन नहीं की, जैसे एक्सटर्नल जैसे एलन आकाश या फिर कोई और होती है कोचिंग वैसे, या फिर लोकल कोचिंग कोई जो था स्कूल में था जैसे बताया पहले भी। तो ऐसे प्रॉब्लम तो बहुत आती है, देखो प्रॉब्लम सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि तुम्हारे पास एक कलेक्टेड मटेरियल नहीं होता, ठीक है ना। जो कोचिंग वाले होते हैं वो बहुत ही प्रिसाइज करते हैं अपने मटेरियल को ज़्यादा, कि मतलब जो क्वेश्चन आएंगे जो MCQ होते हैं डिफरेंट टाइप के वही होते हैं। जब तुम कोचिंग ज्वाइन नहीं करते तब ये प्रॉब्लम रहती है कि तुम्हारे पास एक एक जिस पे तुम बिलीव कर सको ऐसा मटेरियल नहीं होता, वो खुद को कलेक्ट करना पड़ता है। तो बस यही प्रॉब्लम है और कोचिंग की। हाँ, और एक अगर तुम कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हो ना तो तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक कितना आएगा ये सब कुछ तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी कंपटीशन है, जो कंपटीशन है वो सिर्फ लिमिटेड रह जाएगी, क्योंकि कोचिंग अगर तुम अच्छी अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारा मतलब AIR भी आता है शायद, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आता है नहीं आता। मतलब इसका ये कहना है कि तुम कोचिंग ज्वाइन करते हो तो तुम्हें ये पता चलता है कि हम किधर है, कितने पानी में है, हमारा कोचिंग में इतनी सारी कंपटीशन होती है तो हम कहाँ बिलोंग करते हैं, तो कोचिंग का ये फायदा होता है। बट मुझे ये बात बताओ कि तुमने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी तो डाउट सॉल्व करने में भी मतलब प्रॉब्लम आता ही अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल। अगर स्कूल की बात करें तो वहाँ डाउट सॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, वहाँ भी हेल्प होती थी, लेकिन क्या है स्कूल होता है लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। कोचिंग में कैसे रहता है, तुम्हारे ग्रुप रहते हैं, स्कूल टीचर मतलब कोचिंग के टीचर के साथ कांटेक्ट अच्छे रहते हैं। तो डाउट्स के लिए मैं मतलब शुरुआत में तो कुछ नहीं किया, बाद में एक एक दो ऐप का यूज़ करता था। शुरुआत में मैंने जो कोचिंग में जाते हैं मेरे दोस्त,
ठीक है, मेरे दोस्त थे जो मेरे शहर से थे, तो उनको मैं पूछ लेता था, उनको आते थे क्योंकि उनको पहले हो चुका था, मतलब जो होते हैं थर्ड लेवल के क्वेश्चन, सेकंड लेवल के क्वेश्चन जो हम करते। तो डाउट्स में देखो, फिजिक्स के डाउट्स में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, सबको पता है। तो इसी के लिए मैं ज़्यादातर तो दोस्तों को ही पूछ लेता था, क्योंकि टीचर के साथ मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था उस। तो मुझे एक बात बताओ कि तुमने बोला कि फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बट तुम्हारा फिजिक्स का स्कोर था 175, तो तुम्हारा पहला भी स्कोर इतना ही आता था नहीं या नहीं कुछ, नहीं नहीं देखो मतलब कुछ मैंने मैजिक हो नहीं गया? नहीं नहीं रे देखो, मेरा फिजिक्स का स्कोर था, देखो जब मैंने पहली टेस्ट दी थी ना, तब था 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद 105, 100, 103, ठीक है, 90, 80, यहाँ तक गया था। 2 साल होने के बाद तक भी मेरा स्कोर 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ा था, ठीक है, कभी कभी 135 आ जाता था हाईएस्ट मेरा। मतलब जब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना, तब से मेरा हाईएस्ट स्कोर है फिजिक्स का 160 मार्क्स, वो भी आखिर में आया था, एकदम नीट से पहले के कुछ 1-2 महीने पहले शायद। उससे पहले ना मैं 130 अगर मैंने स्कोर कर लिया, मैं पूरा मतलब मैं इतना खुश ना बता ही नहीं सकता। लेकिन कैसा है देखो, फिजिक्स में अगर तुम एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो ना अच्छे से, देखिए मुझे वो कब पता चला, मैंने जब 2 साल पढ़ाई की ना, तब पता चला कि अच्छा फिजिक्स में ये भी करना पड़ता है। क्योंकि मुझे पहले क्या पता था, जो क्लास में पढ़ा है वही करो, एक दो मतलब कुछ एमसीक्यू सॉल्व करो, खत्म है। लेकिन जब बाद में मैंने ये किया कि सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ठीक ही अपनी, मैंने कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, मतलब अलग पांडे सर फिजिक्स वाला जो जानते हैं आप सब, यस, बेस्ट टीचर है बिग फैन। तो उन्हीं से पढ़ा था मैंने फिजिक्स बहुत सारा। तो फिर वो जो एमसीक्यू देते थे वो सॉल्व कर लेता था उसके बाद, ठीक है। और उसके साथ में एक बुक आती थी एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स बोल के, और नहीं एमटीजी मिड गाइडिक थी, नीट गाइडिक थी, ठीक है। तो वो दो बुक्स को मैंने सॉल्व किया, वैसे एरलेस भी था मेरे पास, लेकिन वो कुछ मतलब मुझे पसंद नहीं था, ठीक है। ऐसे अच्छी बुक है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन मुझे पसंद नहीं था क्योंकि मैं बहुत कम एमसीक्यू सॉल्व करता था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 एमसीक्यू सॉल्व करता था एक चैप्टर के, और जो स्कूल में पढ़ा है वही। तो फिजिक्स में जब मैं आगे बढ़ा, जब मेरा 100 स्कोर आ रहा था, और मुझे अब पता चला था कि जो मेरा 550 का स्कोर था जो मैंने पहले बताया आपको, तो उसको बढ़ाने के लिए मुझे फिजिक्स में मार्क तो बढ़ाने पड़ते थे, क्योंकि 100 मार्क्स में तो कुछ भी नहीं होने वाला था। तो फिर जब मैंने ये सब चालू किया, जो लेक्चर देखने लगा यूट्यूब पर, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने लगा, और उसके बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि एक आधी कंसेप्ट अगर हो तो उस पर सिर्फ मतलब एक गिने चुने 6 से 7 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मैं यही ढूंढ रहा था कि इस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे कहाँ से मिले। हाँ, ये एक नया पॉइंट है हाँ और अच्छा पॉइंट है, आप भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी स्टडीज देखिए में। कैसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त एक बनाइए, मैं ये प्रेफर करूँगा आप सबको, क्योंकि अगर दोस्त होंगे ना, अच्छा स्टडी सर्कल अगर होगा आपके पास, तो वो खुद आपको वो क्वेश्चंस ला के देंगे, क्योंकि हर एक बच्चा अलग बुक सॉल्व करता है, ठीक है। तो आप तो हर सॉल्व नहीं कर सकते, तो अगर अच्छे दोस्त होंगे ना, तो वो सारे डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन एक को नहीं आया तो वो भेज देगा, दूसरे को नहीं आया भेज देगा, लेकिन दोस्त अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो तुमने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, तो ऑब्वियसली तुम सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते होगे, तो मुझे ये बताओ कि सेल्फ स्टडी का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं? सबको पता है कि अगर नीट को क्वालिफाई करना है तो सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, और इसके एडवांटेजेस तो सबको पता ही होंगे, मुझे शायद अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे। लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूँ मैं, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आपके पास ना सब आपको खुद को जमा करना पड़ता है, मतलब जो कुछ भी आपको पढ़ना है 2 सालों में। सेल्फ स्टडी का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको रेडीमेड कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पे जो कुछ करना पड़ता है खुद को अर्न करना पड़ता है। क्योंकि मेरे पास कोई कोचिंग तो थी नहीं, तो मेरे पास कोई ऐसे मटेरियल मैंने लिया भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था स्कूल से हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं था वैसे कि ये करना चाहिए तभी होगा, वो मैं ऐसे यकीन भी नहीं करता है कि अगर कोई बोला ना यही करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है वैसे। तो जैसे डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो यही है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। और सेल्फ स्टडी का और एक डिसएडवांटेज है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं आजकल, मोबाइल तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, लेकिन मेरे पास था वैसे, मैं यूज़ करता था, क्योंकि मुझे लेक्चर देखने पड़ते थे फिजिक्स के लिए, मैं तो फिजिक्स वाला मतलब जिंदा वाले से करके चलता था। और डिस्ट्रैक्शन में और एक होती है, सबको पता है क्या होता है तो उससे दूर रहिए डिस्ट्रैक्शन से। और तुमने कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ चलाया था उस अच्छा समय? ठीक है, 11th में तो मैंने चलाया था, और जब लॉकडाउन लगा उस वक्त ही चलाया था,
बीच में तो मैंने वो गेम भी खेला था, फ्री फायर। अच्छा तो मतलब कैसा है, अगर तुम लिमिट में करो तो सब चल जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, मैंने सब किया है ठीक है 2 सालों में। ऐसा नहीं कि मैं मूवी भी देख रहा था उस वक्त, बस उसमें बह मत जाओ, डिस्ट्रैक्शन में बह मत जाओ, क्योंकि एक बार अगर तुम गए ना तो तुम 2 महीने पीछे हो जाओगे दूसरे से। तुम 10 भी दिन अगर छोड़ दो तो पढ़ाई, सबसे कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंस होती है, और सेल्फ रिफ्लेक्शन में, सेल्फ स्टडी में वही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ना बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब तुम्हारे आसपास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो तुम ऐसा नहीं कि उस डिस्ट्रैक्शन से 100% दूर रहो। तुम फेसबुक चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, तुम कुछ गेम्स भी खेल सकते हो, मूवीज भी देख सकते हो, बट ऐसे टाइम लिमिटेड। तो इसका कहना है कि उसमें बह मत जाना सही है। मतलब तुम टाइम पास के लिए थोड़ा आधा 1 घंटा देख सकते हो, बट दिन भर वही कर रहे हो तो उससे नीट क्रैक नहीं होगी। तो तुम अपने ऊपर कितना कंट्रोल रखते हो ये भी थोड़ा बहुत मायने करता है कि तुम नीट में कितनी रैंक लाओगे। तो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर दूर रहिए। रहिए। तो वैभव मुझे एक बात बताइए कि जब हमारा नीट 2020 का पेपर था तो 1 मंथ बाकी था, तब तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कितने फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे तुमने और कितने देने चाहिए देने चाहिए आइडियली? हाँ ठीक है। तो अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ, तो मैंने पहले तो सबको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया, अपने को 3 सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए मैंने क्या किया था, जो कुछ पढ़ाया है स्कूल में हो या फिर मैंने जो यूट्यूब से किया था, तो मैंने उसको बहुत ही शॉर्ट नोट्स निकाले, ठीक है। एक चैप्टर 1 या 2 पेज में ख़त्म करो, मतलब लिख के ख़त्म करो, ठीक है। सब होना चाहिए उसमें, एक भी कॉन्सेप्ट छूट नहीं चाहिए, एक भी फॉर्मूला भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिर के डेज में आपको ठीक है कॉन्सेप्ट नहीं आती छोड़ सकते हो, लेकिन फॉर्मूला तो कम से कम आना चाहिए। हाँ तो एक वैसे बनाया था पूरे चैप्टर के लिए, फिजिक्स का पूरा सिलेबस मैंने वैसे ही पढ़ा था, कि पहले तो फुल चैप्टर पढ़ो, उसके नोट्स निकालो छोटे, और वो नोट्स आखिर के जो 13 दिन थे, मेरे 13 को पेपर था, तो लास्ट 13 दिन में वो बहुत काम आया बहुत। तो उसी तरह मैंने फिजिक्स का किया था, ठीक है। अगर केमिस्ट्री की बात करूँ, तो केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो वो मुझे पहले से आता था, हालांकि उसने दगा दिया मेरे को आखिर में, ठीक है। तो वो आता था, इसलिए मैंने, फिर भी अगर बताना पड़े अगर स्ट्रैटेजी क्या की थी उसके लिए, तो देखो मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पूरा एनसीईआरटी से पढ़ा था, मतलब लिटरली याद कर लिया था। इनऑर्गेनिक तो मतलब पी ब्लॉक, एस ब्लॉक पूरा याद कर लिया था, ठीक है। और मैकेनिज्म किए थे वैसे ऑर्गेनिक में, तो इसके लिए ऑर्गेनिक तो मुझे मतलब आता था, आसान जाता था। फिजिकल के लिए मैंने बहुत एमसीक्यू सॉल्व किए, वो एक मतलब बालाजी पब्लिकेशन की बुक आती थी, उससे मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए थे, ठीक है। वो अच्छी बुक है, आप मतलब ले सकते हो वैसे। और बायोलॉजी के लिए तो भाई साहब मैंने शुरुआत से बायोलॉजी की पढ़ाई की थी, ठीक है। और अगर लास्ट मंथ प्रिपरेशन टिप्स की बात करो बायोलॉजी के लिए, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी मतलब बहुत ही देख के धीरे से पढ़ी है, ऐसे मत करिए कि एक दिन में 6 चैप्टर खत्म कर दी, कुछ भी याद नहीं होगा। तो तुमने बोला कि एनसीईआरटी ही पढ़ी है, तुमने कुछ बाहर का किया था लास्ट के मंथ हाँ, में? मैंने सबसे बड़ी गलती ये थी वही, कि इसलिए मुझे आखिर में ऐसे थोड़ा लगता है कि 338 आने का वही कारण होगा, क्योंकि जो मेरे मार्क्स कटे वो थे प्लांट किंगडम के, ठीक है। तो मैं उसमें सिर्फ एनसीईआरटी करने के अलावा भी थोड़ा मतलब वैसे बहुत तो नहीं किया था, लेकिन आखिर के वक्त में भी पढ़ता था थोड़ा बाहर का, जो कि मुझे पढ़ना नहीं चाहिए था ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उससे मतलब एक तो टाइम लगता है, उसके बाद वो कुछ काम का तो है भी नहीं, अभी हाँ आता भी नहीं है, तो पहले आता था शायद, अब तो कुछ भी नहीं आएगा, जब तक एनटीए है ना तब तक एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा। हाँ तो आप एक बात सुनिए इसकी कि इसने फिजिक्स में 175 स्कोर किया, फिर भी ये फॉर्मूला पे इतना ज़्यादा फोकस करने के लिए बोल रहा है। तो मैं पहले से बताता हूँ कि फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करिए, बट आपको अभी पता चल ही गया होगा कि जिसको 175 आए वो भी फॉर्मूला पढ़िए, मतलब फॉर्मूला रट लीजिए, फॉर्मूले को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो आप भी फॉर्मूला पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी फॉर्मूले पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने का ट्राई करो। देखिए कैसा है, फिजिक्स में कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबको बताया, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट तब तक इम्पॉर्टेंट है जब, तब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जब आप आखिर के 1 महीने में हो, ठीक है। हाँ उस वक्त सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आया उसमें सब वैल्यूज दी हो, तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इससे आंसर निकल सकता है। आखिर में आपको सिर्फ मार्क्स चाहिए, कंसेप्ट और ये सब चीज़ पहले 2 साल में होती है, लास्ट में तो सिर्फ आप मतलब अच्छे से कीजिए अगर आती हो तो, लेकिन अगर नहीं आती तो डरिए मत, सिर्फ फॉर्मूला करके जाइए, आ जाएगा।
तो वैभव, तुम नीट एस्पिरेंट को लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे? तो अभी तो सिर्फ 1 महीना बाकी है, तो अगर मुझे आपको कोई मैसेज देना हो तो मैं यही दूंगा कि देखिए, बहुत कुछ करने की ट्राई भी मत करिए, ठीक है? लिमिटेड करिए, वही करिए, रिपीट करिए, दोबारा करिए, ठीक? ऐसे भी कोई मतलब एक्स्ट्रा की चीज़ें पढ़ना ये सब छोड़ दीजिए अभी। और उसके बाद और एक चीज़ करिएगा, एग्ज़ाम से पहले मतलब जब आप एग्ज़ाम को जा रहे हो या फिर मतलब नज़दीक हो एग्ज़ाम, तो अपने आप को मतलब मेरे को यही कॉलेज चाहिए, हाँ मतलब यही करना है कि मुझे इतने ही मार्क्स चाहिए, ठीक है? ये सब छोड़ दीजिए। मैंने खुद नहीं छोड़ा था, मैं जब एग्ज़ाम के लिए जा रहा था ना, तब मैंने सोच के गया था मुझे 550 मार्क्स लाने हैं, क्योंकि मेरे शहर का जो नज़दीक का कॉलेज है वहाँ 550 कट ऑफ था, तो मैं यही रखे गया था 550 तो लाने हैं। लेकिन वैसे तो अगर पहला टारगेट देखो तो था 600, 630, 40 से आगे ही लेने थे, लेकिन जब आखिर का महीना आया था तो मुझे सिर्फ कॉलेज को लगना था, ठीक है, मेडिकल कॉलेज मिल जाए यही था। उसके बाद क्योंकि अगर तुम ज़्यादा करने की कोशिश करते हो ना, तब तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो लिमिटेड करिए, रिपीट करिए वही जो आपने पहले ही पढ़ा है, कोई नया बुक नई चीज़ सॉल्व करने की ट्राई भी मत करिए। तो थैंक यू वैभव फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू। तो थैंक यू महेश। अभी आपने इंटरव्यू देखा, तो इंटरव्यू कैसा लगा और क्या क्या पॉइंट्स हमने कवर नहीं किए तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मैंने वो पॉइंट कवर नहीं किया है तो मैं जब आगे किसी का इंटरव्यू लूँ तो उसमें कवर कर दूंगा। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।